अजमेर रेंज आईजी एस सेंगथिर बुधवार को ब्यावर पहुंचे। आईजी सेंगथिर के ब्यावर पहुंचने पर पुलिस कर्मियों ने एएसपी कुंदन कंवरिया के सानिध्य में सीओ ऑफिस के बाहर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर के पश्चात आईजी सेंगथिर ने सीओ ऑफिस तथा सिटी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीओ ऑफिस में कई फाइलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने लंबित प्रकरणों का अब तक निस्तारण नहीं होने पर सीओ तथा थानाधिकारियों को लताड़ लगाई। इस दौरान सीओ ऑफिस में रखे साइन बोर्ड को देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि साइन बोर्ड कमरे में रखने के बजाय उसे बाहर की तरफ लगावे ताकि आमजन को ऑफिस के बारे में जानकारी मिल सके। इसके पश्चात आईजी सेंगथिर ने सीओ ऑफिस परिसर का निरीक्षण करने के दौरान पिछवाड़े की तरफ पड़े कचरे को देखकर वहां उपस्थित कर पुलिस कर्मियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अपने घरों के समान अपने ऑफिस के आसपास भी साफ सफाई रखनी चाहिए। वार्षिक निरीक्षण के दौरान ब्यावर पहुंचे आईजी सेंगथिर में सीओ ऑफिस में सीओ क्षेत्र के सिटी सदर मसूदा टाटगढ़ तथा जवाजा थानाधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने सभी थाना क्षेत्रों की कानून व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी थानाधिकारियों को चाहिए कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र के सभी लंबित मामलों का निस्तारण शीघ्र ही करते हुए आमजन को राहत पहुंचावे। वार्षिक निरीक्षण के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान सीओ सर्किल में नफरी की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अजमेर जिले में दरगाह तथा ब्रह्मा मंदिर पुष्कर सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में नफरी की जरूरत पड़ती रहती है, जिसके कारण अधिकांश समय जाप्ता इधर उधर रहता है। नफरी बढ़ाने के लिए विभाग को लिखा जा चुका है। ब्यावर सीओ क्षेत्र में एक और थाने की आवश्यकता के सवाल पर आईजी ने कहा कि इसके लिए प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव को राज्य सरकार को भिजवाया गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही एक और थाने की कवायद शुरू की जा सकती है। इस दौरान सदर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा, सिटी थानाधिकारी संजय शर्मा, मसूदा थानाधिकारी भवानी सिंह, टाटगढ़ थानाधिकारी आशुतोष पांडे तथा जवाजा थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। निरीक्षण के हिसाब से आज वृत्ताधिकारी ब्यावर कार्यालय का निरीक्षण है और साथ साथ वृत्त में जो थाने हैं और थाना के कामकाज की समीक्षा करेंगे और सीओ ऑफिस में जो भी काम चल रहा है उसकी समीक्षा करेंगे। मुख्य रूप से जो लंबी जो मुकदमे चल रहे हैं उसके निस्तारण के बारे में, वांछित मुझे गिरफ्तारी के बारे में, सांप्रदायिक जाति दृष्टि जो संवेदनशील मुद्दे हैं उसके बारे में समीक्षा करेंगे और जो भी कमी है वो दिखेंगे या कोई काम अच्छा हुआ तो उसकी पहचान करेंगे, संबंधित अधिकारी की पुरस्कार करेंगे। बाकी जो नॉर्मल वार्षिक निरीक्षण प्रक्रिया आप समझते हैं लोकल लेवल पर से जैसा अजमेर जिला है उसमें दरगाह पुष्कर वैसे फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। कम्युनली ब्यावर मसूदा या बाकी जगह सरवाड़ वगैरह सिटी में उसकी नफरी बढ़ाने के लिए अलग से हमने प्रस्ताव भेज रखा और साथ साथ यदि लाइन में या ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाएगा उसको वापस रीअलाट करने के लिए एसपी साहब को कह के